सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ काइन मास्टर से स्प्लिट वीडियो कैसे बनाए। यार, मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि भाई एक वीडियो को रोकना है, एक वीडियो को चलाना है, कैसे बनाए वीडियो। तो दोस्तों, ये स्प्लिट वीडियो के तरीके मैंने पहले भी बताए हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बिल्कुल सिंपल सा फंडा, इसमें आप बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जिसमें आप एक ही बार में स्प्लिट वीडियो बनाकर रेडी कर सकते हो। तो वीडियो को इन तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम काइन मास्टर ओपन करेंगे एंड काइन मास्टर ओपन करने के बाद में हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में 16:8 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से, अब हमारा मीडिया का ब्राउजर आ चुका है, तो अभी यहाँ से हम एक इमेज असिस्ट से बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, मतलब प्लेन बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पे ग्रे कलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ अपना बैकग्राउंड के लिए और उसकी हम अपनी लेंथ बढ़ा लेंगे जितना कि हमें वीडियो बनाना है। तो बैकग्राउंड की हम अपनी लेंथ बढ़ा लेंगे एंड उसके बाद में हम यहाँ से बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हमने अपना बैकग्राउंड की लेंथ है वो अपने वीडियो के अनुसार बना ली है। यहाँ से बैक करके हम लेयर पे क्लिक करेंगे एंड मीडिया पे क्लिक करेंगे। तो मीडिया पे क्लिक करके अब हम वीडियो उठाएंगे जिस वीडियो का हमें स्प्लिट बनाना है, क्योंकि हमें दो वीडियो उठाने हैं। तो अभी मैं यहाँ से दो वीडियो को उठाने हैं, तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ से मैं एक वीडियो पहले सेलेक्ट करता हूँ। तो हम यहाँ पे वीडियो उठाएंगे जिस हिसाब से हमारी बैकग्राउंड की लेंथ है, तो हम वीडियो उसी हिसाब से अगर बनाएंगे, मतलब जिस वीडियो को बनाना है तो उसी हिसाब से अपना लेंथ रखेंगे। और मैंने यहाँ पे एक वीडियो सेलेक्ट कर ली एंड उसके बाद में ये देखो हमारा वीडियो आ गया है। तब इसके बाद में जो इधर साइड राइट साइड में ऑप्शन जो दिख रहे हैं, ऑप्शन के ऊपर स्क्रॉल करेंगे और स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वहाँ से हम जो राइट हाफ साइड दिख रहा है, राइट हाफ स्क्रीन का, तो उस पर क्लिक करेंगे और उसे राइट अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसे हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद में जो हमें एरिया थंबनेल पे दिखाना है या जो हमें स्क्रीन पे दिखाना है, उस एरिया को सेलेक्ट करके रखेंगे वहीं पे एंड इसे हम यहाँ से बैक करेंगे। और फिर यहाँ से हम बैक करने के बाद में कैप्चर एंड सेव कर लेंगे। यहाँ से कैप्चर एंड सेव करने के बाद में हम फिर वापस लेयर पर जाएँगे। पहले स्टार्टिंग में आते हैं, स्टार्टिंग में आने पर लेयर पर जाएँगे और फिर यहाँ से हम सेकेंड वीडियो अपना उठाएँगे। तो अभी हम दूसरा अपना सेकंड वीडियो भी उठा रहे हैं यहाँ से। अब मैंने सेकंड वीडियो भी अपना सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर हम वापस स्प्लिट स्क्रीन पर जाएंगे और इसे राइट हाफ स्क्रीन पर लेके आएंगे। इस पर क्लिक कर दिया तो हमारा यह ऑटोमेटिक हाफ स्क्रीन पर आ गया। अब इसे हम ड्रैग करके एडजस्ट कर लेंगे जो हमें पार्ट दिखाना है स्क्रीन पर। तो अब इसके बाद में हम यहाँ से बैक करके इसे भी मैं पहले कैप्चर एंड सेव करता हूँ। अब उसके बाद में हम इसे प्ले करेंगे अगर, तो ये दोनों हमारे वीडियो चलेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर इसको प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आपने देखा हमारे दोनों वीडियो एक साथ चल रहे हैं। पे अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन का अपना शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल। ये हमारा वीडियो की लेंथ है, बहुत लंबी है, तो यहाँ से तो उसे मैं अपना वीडियो पहले कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा है। तभी हमने अपनी वीडियो की लेंथ एक्यूरेट अपने हिसाब से कर ली है कि जितना वीडियो मैं आपको समझाने के लिए बनाना था, तो इसलिए मैं इसका वीडियो लेंथ कम कर दी। एंड यहाँ से आप देख सकते कि हमारे दोनों वीडियो ही, तो अब हमें एक वीडियो चलाना है, एक रोकना है। तो जहाँ से एक वीडियो एंड हो रहा है, तो वहाँ से मैं उसे ड्रैग करके दूसरे वीडियो को वहाँ पे लाऊंगा, ताकि हमारा एक वीडियो जहाँ से ख़त्म होगा, अब दूसरा वीडियो वहाँ से चालू होगा। एंड अब यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा एक वीडियो का पार्ट चल रहा है, दूसरा उसके पीछे चलेगा। तो अभी एक साइड में हमारा ग्रे स्क्रीन का जो बैकग्राउंड दिख रहा है, तो वहाँ पर हम बैकग्राउंड में जो हमने जो यहाँ पर कैप्चर एंड सेव करके इमेज रखे थे, वो इमेज यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। और ये हमारा लेफ्ट में वीडियो है, तो हम राइट में इसे ड्रैग करके ये कैप्चर एंड सेव वाला राइट में इसे एडजस्ट कर देंगे एंड इसे यहाँ से अब हम इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ बढ़ा के वीडियो के बराबर कर देंगे। और इसके लेंथ को वीडियो के बराबर करने के बाद में अब जहाँ से हमारा दूसरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है, हम वीडियो के स्टार्टिंग पे आएंगे एंड वहाँ से फिर हम लेयर पे जाएंगे। और लेयर पे जाने के बाद में जो हमने दूसरा स्क्रीन शॉट सेव करके रखा था, वो तो स्क्रीन शॉट पर आएगा, क्योंकि मेरा दूसरा साइड का भी चलाना बाकी है। तो अभी यहाँ पर हम लेफ्ट वाले पे इसे एडजस्ट करके रख देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा दूसरा वीडियो चलेगा राइट साइड में, तो यहाँ लेफ्ट में दिखना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो रेडी हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो हमारा लेफ्ट तरफ चल रहा है और राइट तरफ रुका हुआ है वीडियो। अब यहाँ से हम देखो अपना दूसरा वीडियो चला रहे हैं, मैंने इसे फॉरवर्ड किया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से अब देखना, हम दूसरा चला रहे हैं तो हमारा राइट साइड में चलेगा, लेफ्ट साइड में हमारा स्क्रीन रुका रहेगा। दोस्तों, हमारा स्प्लिट स्क्रीन वीडियो बनके रेडी हो चुका है। इस मेथड से इस वीडियो को बनाएगा तो आप बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में।